Welcome to Digital Adhyapak. Students, there is a matrix 3 into 3. We have to find A into adjoint A. Now, if I have to multiply A and adjoint A, ka multiply karna, we have to multiply A with adjoint A. So, we will remove its adjoint, then we will multiply A. But we will not do this. हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू i, जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम इसका यूज कर ले तो फिर हमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड a इंटू एडजॉइंट a विदाउट यूजिंग एडजॉइंट, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और मान लीजिए नहीं भी कहता है तब भी आपके लिए यही फायदेमंद है, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व। अब a डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो a डिटरमिनेंट के लिए क्या हो जाएगा, आप पूरे मैट्रिक्स किस तरह से रखेंगे, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। डिटरमिनेंट निकालते हैं a डिटरमिनेंट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 2 इंटू 1 माइनस और माइनस 3 इंटू माइनस। नेक्स्ट ये माइनस है, सेकेंड माइनस होता है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 4 इंटू 1। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां देखिए 2 और ये प्लस 3, तो यहां तो प्लस ही 3 होगा, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। नेक्स्ट 4 और प्लस 4 8, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, माइनस 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 30। सॉल्व करेंगे माइनस 30 और माइनस हो जाएगा माइनस 33 प्लस 16। अब माइनस 33 प्लस 16 कितना हो जाएगा 30 माइनस 16 कर लेते हैं, तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, 3 यानी 7 और 2 माइनस 1 1, तो माइनस 17 इसका आंसर आ गया। माइनस 17 क्या आ गया, ए डिटरमिनेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट हमारे पास माइनस 17 है इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आई है 3 इंटू 3। अब हम माइनस 17 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 17 0 0 0 माइनस 17 0 0 0 माइनस 17। So, ये मेरा हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट a। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।